जितने भी सम्मानित गुरु शिष्य बाकी सभी सदस्य, आज के विशेष अतिथि वेद मणिभूषण कुमार जी एवं आयुर्वेद के अनेक विद्वान जो हम सबसे जुड़े हुए हैं इस सत्र में, मैं डॉक्टर पूजा एन आरएवी से आपका स्वागत करती हूँ। पहले मैं अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहती हूँ अपने हर गुरुओं को जो ये श्रृंखला को जारी रखने में हमारा मार्गदर्शन, प्रेरणा और प्रोत्साहन करते हैं। माननीय पद्म भूषण वैद्य देवेंद्र त्रिगुनाथ जी, गवर्निंग बॉडी अध्यक्ष, श्री वैद्य राजेश कोटेचा सर, सचिव आयुष मंत्रालय, और माननीय डॉक्टर वंदना सिरोहा, निदेशक आरएवी। हम इस सत्र की शुरुआत धनवंतरी वंदना से करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरये अमृत कलशहस्ताय सर्वमय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः। आगे मैं आज के विशेषज्ञ वैद्य मणिभूषण कुमार का परिचय कराना चाहूंगी जो उदर रोग में शोधन चिकित्सा पर प्रकाश डालने वाले हैं। उन्होंने अपना बीएमएस 1990 में किया था गवर्नमेंट आयुर्वेदा महाविद्यालय पटना से, फिर वे उसी कॉलेज में पंचकर्मा का कोर्स भी कंप्लीट किए थे और योगा एंड डिप्लोमा भी किए थे। वो 2017 से हमारे सीआरएवी गुरु हैं और उनका चिकित्सा में 32 इयर्स का अनुभव है। वे विभिन्न समिति के सदस्य हैं, उसमें वे राष्ट्रीय पंचकर्म एवं अनुसंधान अकेडमी पटना के अध्यक्ष हैं और उन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। इन कुछ शब्दों से विनम्रता पूर्वक मैं आपका स्वागत करती हूँ कि सुनने आप वाला आज का सेशन शुरू करें। तो आप क्या म्यूट आ रहे हैं माइक? शुरू किया जाए? मैं जी सर जी, सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार आदरणीय पद्म श्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुनाथ सर जी, प्रेसिडेंट गवर्नर बॉडी ऑफ आरएवी, वैद्य कोटेजा सर जी, वैद्य बन्ना सिरोहा डायरेक्टर आरएवी, बस समस्त आरएवी गुरुजन, आरएवी टीम को बहुत
बधाई, हमारे प्यारे सिर्फ सभी लोगों को दुर्गा पूजा की विशेष बधाई। आज मैं डॉक्टर मणिभूषण कुमार, डॉक्टर मणिजी सर सेंटर कदम कुआं पटना बिहार, अपने सम्मुख ज्ञान गंगा के 190वां एपिसोड के वेबिनार के साथ इस क्रम में उदर रोग एवं शोधन चिकित्सा पंचकर्म चिकित्सा के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपना अनुभव साझा करूंगा। आवाज आ रही है मैम? मैं थोड़ा अपना परिचय और बता दूं। मैं भी आरएबी का रेजिडेंट रहा और डॉक्टर जेपी मिश्रा के सर्विस में मैंने इसको पूरा किया। पहले भी मैं प्रैक्टिस में था, लेकिन जब से आरएबी किया उसके बाद से मैं अपने प्रैक्टिस में काफ़ी अच्छा अनुभव किया। आज मेरी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है। मैं मानता हूँ कि ये आरएबी का देन है। आरएबी मुझे बहुत सपोर्ट किया एक अच्छे गुरु के साथ रहकर। पहले भी बहुत सारे गुरु के साथ मैंने काम किया, लेकिन आरएबी में जब मैं ज्वाइन किया उसके बाद से मैं ये देख रहा हूँ कि हमारी प्रैक्टिस में काफ़ी अभी भी गाइड करते रहते हैं गुरु लोग। अब दूसरे बिंदु पे आते हैं कि अभी नवरात्र का समय है और ऐसा माना गया है कि हर एक पौधे में, हर एक औषधि में भगवान का रूप है। इसी में कहा गया है कि औषधि के 9 पेड़ पौधे में 9 दुर्गा के रूप लोगों के को देते हैं आरोग्यता। इससे थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे पहला है शैलपुत्री हरर, कई प्रकार के रोगों में काम आने वाली औषधि हरर हेमावती है, जो देवी शैलपुत्री का शैलपुत्री जिसमें हरड़ डालते हैं, कई प्रकार के रोगों का काम आने वाला औसत हरड़ हेमवती है, जो देवी शैलपुत्री का एक रूप है। यह आयुर्वेद का प्रधान औषधि है। यह तथ्य हरित की अमृता हेमवती कास्त की और श्रेसिक 7 प्रकार के होते हैं। दूसरा आता है ब्रह्मचारिणी, जो ब्राह्मणी के नाम से हमारे औषधि प्लांट आते हैं। ब्राह्मणी आयु का एहसास बढ़ाकर रक्त विकारों को दूर कर स्वयं को मधुर बनाता है, इसलिए इसे सरस्वती भी कहा गया है। चंद्र घंटा तीसरा चंद्रसूत, यह पौधा धनिया के समान है। यह मोटापा को दूर करने में लाभप्रद है। इसे चंद्र हंदी भी कहते हैं। चौथा है कुष्ठमांडा कुहड़ा, इस औषधि के पेठे की मिठाई बनती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुहड़ा भी कहते हैं, जो रक्त विकार दूर कर पेट को साफ करने में सहायक है। स्त्री रोग एवं मानसिक रोगों में यह अमृत के समान है। पांचवा है स्कंद माता अलसी, देवी स्कंद माता औषधि के रूप में अलसी में विद्यमान है। यह वात पित्त और कफ रोगों को नाशक औषधि है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होने से इसे सभी को भोजन के पश्चात काले नमक में भूनकर प्रतिदिन सुबह लेना चाहिए। यह खून भी साफ करता है। छठे है कात्यायनी मोइया, देवी कात्यायनी को आयुर्वेद में कई नामों से जाना जाता है, जैसे अंबा अम्बिलिका अंबिका। इसके अलावा इन्हें मोइया भी कहते हैं। यह कफ पित्त गले के रोगों का नाश करती है। सातवां है काल रात्रि नागदौर, यह देवी नागदौर औषधि के रूप में जानी जाती है। यह सभी प्रकार के रोगों में लाभकारी है और मन एवं मस्तिष्क के विकारों को दूर करने वाली औषधि है। यह पाइल्स के लिए भी रामबाण औषधि है। इसे स्थानीय भाषा में दूधी कहा जाता है। आज के दिन महागौरी आठवा ये तुलसी, तुलसी 7 प्रकार के होते हैं। सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवता, कुठेर, अर्जुनक और पस्पत। ये
रक्त में को साफ कर हृदय रोगों का नाश करता है। एकादशी को छोड़कर इसे प्रतिदिन सुबह ग्रहण करना चाहिए। नौवां, सिद्धिदात्री शतावरी। मैं दुर्गा का नौवां रूप सिद्धिदात्री है, जिसे नारायणी शतावरी कहते हैं। यह बल बुद्धि एवं विवेक के लिए उपयोगी है, विशेषकर प्रसूतताओं जिनकी माताओं को ऑपरेशन के पश्चात अथवा कम दूध आता है, इनके लिए रामबाण औषधि है, इन्हें इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह से औषधि के नौ पेड़ पौधों में नव दुर्गा के रूप के लोगों को देते हैं आरोग्यता। अब मैं अपने मुख्य बिंदु पे आता हूँ, उदर रोग। अजीर्ण, इनडाइजेशन, शोधन भोजन का ना पचना। अजीर्ण, मैं जो भी बताने जा रहा हूँ बिल्कुल क्लिनिकल है, और अपने क्लिनिक के आधार पे और अपने प्रैक्टिस के अनुभव पे मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे अजीर्ण के लक्षण, तथा प्रत्येक उत्लेख गौरव विवन, इसका चिकित्सा है लंगन दीपन पाचन अनुलोमन। कफ दोष, अमाजीर्ण में कफ दोष में कम भोजन लेने पर भी पेट में भारीपन, नौसिया, ब्लीचिंग, इनमें हिंगवास्ता का संघ भस्म का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। पित्त दोष से विद्या जीर्ण जो है उसमें खट्टी ढकार, छाती में जलन, ज्यादा प्यास लगना, इसकी चिकित्सा है परवाल, कामदुग्धा, अभिपक्कर। ये सब मेडिसिन के हम लोग अपने क्लिनिक में अक्सर प्रयोग करते हैं, विभिन्न रोगों के विभिन्न रोगियों के अलग अलग रूप से कंपोजिशन बनाकर किया करते हैं। तीसरा है बात विशिष्टता जीर्ण, ये है फ्लेक्चुएंट, पेट फूलना, कॉन्स्टिपेशन, इसमें कपरज है, आरोग्य वर्धनीय है, संकवटी, इसकी चिकित्सा औषधि है। आम पाचन योग, सौंफ, जीरा, अजवाइन, शंख, पूर्णनमा, मंडूर, मुक्ता सुक्ति, नागर मोथा, मुस्त, डंग, चंदन, अज मोदा। कस्टर्ड बल, प्रत्येक तेल में जाकर आम पाचन करता है, अभ्यारिष्ट मल का निष्कासन के साथ अग्नि बल को बढ़ा देता है। एनोरेक्सिया, डिप्रेशन को अपच, इसमें हिंगवास्तव चून, लवण भास्कर और बैथवाना चून का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। इनडाइजेशन, इसमें लहसुन आदि बटी, हिंगवास्तक, लवण भास्कर, संघ भास्कर और कपरत भास्कर, ये सब दवाइयां मिला करके हम लोग अलग अलग रोग पे अलग अलग रोगी के को कंपोजिशन बना करके देते हैं दोष हिसाब से। आरोग्य वर्धनी बटी, अग्नि कुंडी बटी, लवण भास्कर, चित्रकारी बटी इसी में शामिल है। एनोरेक्सिया, आरोग्य वर्धनी कुमारी आसव, लीवर का उचित कार्य न करने पर कुमारी आसव देना चाहिए। कुमारी आसव सेवन से बच्चों में अन्न व दूध का सही से पाक होता है। चरक सूत्र स्थान में महाकसाय है, जो कंपोजिशन है पिपली, हिंगूल, चब, पिपली मूल, चित्रक, नागर, मरीच, अम्ल बेतस, अजमोदा, भल्ला तक। उदर सूल, एब्डोमिनल पेन, इसमें हिंगवास्तक 50 ग्राम, यवछार 10 ग्राम, श्वेत पटपटी 10 ग्राम, हरिद्की 25 ग्राम, सभी को मिलाकर 3 से 4 ग्राम गुनगुने जल से देते हैं। तत्काल पेट में पेट दर्द गायब हो जाता है। साथ में अग्नि कुंडी बटी, कनकासो 20 से 40 एमएल तक देते हैं। फुलबर्जनी, संघ भस्म, कपरत भस्म का प्रयोग करते हैं। पेट दर्द में महासंघ बटी, कपरत गर्म पानी से सेवन कराते हैं। हिंग को घृत में भून कर गुनगुने जल से सेवन से आराम होता है। पेट में दर्द, मल के साथ खून, कपूर रस, इसमें कपूर रस का बहुत अच्छा रोल है। तुरंत और ज्यादा एक्यूट एब्डोमिनल पेन, इसमें सुंठी, एरंडमूल,
तेनेमेल प्लस उसकी सेंधू सेंधव नमक मिलाकर बार बार पिलाने से आराम होता है। इसमें एक योग और हम लोग देते हैं, स्वंग बंग छार, संग भस्म और चित्रकादी, ये भी गर्म पानी से नींबू रस के साथ देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, तुरंत आराम होता है कुछ एब्डोमिनल पेन। अल्सर में पेट दर्द जो होता है उसमें कपरस भस्म और घृत और चीनी, ये भी मेरे क्लिनिक का बहुत ही अच्छा अनुभव है कि यदि अपर एब्डोमेन में पेशेंट आता है सर बहुत दर्द है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, कपरस भस्म 500 मिलीग्राम, घृत एक चम्मच, चीनी एक चम्मच मिला करके पेशेंट को धीरे धीरे चूसने के लिए बोलते हैं और हमें लगता है कि 2 से 5 मिनट में पेशेंट को बहुत ज्यादा आराम हो जाता है। परिणाम फूल, इसमें हिंगवास्तव चूर्ण का प्रयोग हम लोग करते हैं। पार्षद उजर फूल में जिरकारिष्ट और अजमोदादी का प्रयोग करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में हम लोग त्रिफला, पंचकार, एरंड मूल, इस सब गोल, अभ्यारिष्ट, कुमारी आसों का प्रयोग ज्यादातर मात्रा में करते हैं। इसमें मात्रा मस्ती कस्टर्ड वाइल 50 ml, सेंधव, ऐसा मात्रा वस्ती हम लोग देते हैं। हरित की, अश्वगंधा, निशोथ और कुटकी, हरित की 20 ग्राम, अर्गवद 20 ग्राम, निशोथ 20 ग्राम, कुटकी 20 ग्राम, जो जिन डॉक्टर जैसे बना के प्रयोग करते हैं। त्रिफला पक व अपक दोनों तरह के मल निकालता है, अतः त्रिफला का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं। डिहाइड्रेशन तृष्णा, इसमें उल्टी के साथ डिहाइड्रेशन होने पर कपूर रस 3 बार, नींबू रस प्लस मधु और पानी का प्रयोग करते हैं। इसमें पित्त तृष्णा, हाइपरकैलेमिया, परिवाद ये ज्यादा काम करता है। जैसे धान्य गुरुची और सट पानी, तृष्णा निग्रह महाकसाय जो है उसमें कॉन्स्टिपेशन उदर, अदरक, धान्य कसाय, मुक्ता, पदपट, चंदन, पटोल, किराट, गुरुची, तिवेर, धन्य, इसका भी प्रयोग हम लोग करते हैं। फ्लैक्सुएंट और गैस ब्लीचिंग, पेट फूल जाता है उसमें जो है गुल्म में कंकायन बटी, लवन भास्कर, हिंगवास्तक, कुमारी आसव, शंखवती का प्रयोग करते हैं। अज्ञान में हिंगुले हिंगू तेल वाली तेल का सेवन एवं अध्ययन करने से बहुत अच्छा फायदा मिलता है। गैस में मुलेठी 100 ग्राम, कामदुग्धा 100 ग्राम, परवाल पंचामृत 100 ग्राम, संघ भस्म 100 ग्राम, लवन भास्कर, संघ भस्म, हिंगवास्कर, मुक्ता, त्रिफला, अविपत्कर चूर्ण, लवन भास्कर 100 ग्राम, हिंगवास्कर 50 ग्राम, त्रिफला 100 ग्राम, संघ भस्म 100 ग्राम, सभी को मिलाकर 3-3 ग्राम सेवन करने से अच्छा फायदा होता है। इसमें एक हम ये सारे को मिला करके एक विशेष योग हम लोग बनाते हैं जिसमें मुलेठी है, काम दुग्धा है, परवाल पंचामृत है, संघ भस्म है, ये सबको मिला करके एक टैबलेट बनवाते हैं। पेशेंट को बहुत फायदा होता है, पेशेंट आकर के मांग के ले जाते हैं कि वो गैस वाली दवा हमें चाहिए। फिर से बता दें, एक कंपोजिशन है मुलेठी, काम दुग्धा, परवाल पंचामृत 100 ग्राम और संघ भस्म 50 ग्राम से 100 ग्राम तक ले सकते हैं। इसको मिला करके और इसको टैबलेट फॉर्म में बना दिया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। अब आते हैं उदाव्रत में, इसकी चिकित्सा एरंड तेल से विरेचन, पलावल से, अपान वायु से उदाव्रत एवं अनाह होता है। उदाव्रत के लक्षण, शीतकालीन कष्टपूर्ण मल प्रवृत्ति, उदरगार, बाहुल्य, विभम, यात्रा के दौरान छद्री होना, चिकित्सा दीपन, पाचन, अनुलोभन, अभिरेचन और प्रेरण।
हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त। अम्लपित्त में अभिपत्कर रस, मुलेठी, आमलकी, काम दुग्धा रस, सुशेखर, धान्य रस, शंख, नारिकेल, लवन, गुड़ुची, चंदनासा, निम्बादी, उर्सी रासा, पथ्यादि कषाय और विरेचन औषधि का प्रयोग अच्छा लाभ मिलता है। दाह प्रशमन में दाह प्रशमन का महाकषाय पित्त का शमन कर शरीर में बाह्य और आमांतर दाह जलन उष्णता को शांत करता है। इसका कंपोजिशन है लाजा, चंदन, गंभारी, मधु, नीलोत्फल, उसीर, सारिवा, गुड़ुची, अहिवे। सामान्य अम्लपित्त में सुशेखर का प्रयोग करते हैं, निराम अम्लपित्त में लघु सुशेखर का प्रयोग करते हैं, अम्ललोधक गार में शंखवटी का प्रयोग करते हैं। भोजन के बीच में यदि पित्त का प्रवृत्ति अभिपत्कर चूर्ण, यदि बात की प्रवृत्ति हो तो हिंगवाष्टक, कप का प्रवृत्ति हो तो लवण भात का प्रयोग करते हैं। पित्त उदाव्रत, तिक्त रस, आम बात, पाचन, वातानुलोमन, मधुर, स्निग्ध रस, अभिपत्कर, काम दुग्धक का प्रयोग हम लोग करते हैं। अल्कोहलिक गैस्ट्राइटिस में बात, पित्त, गुल्म ये लक्षण मिलते हैं, जिसमें कारण होता है दारू पीना, बात, पित्त, इसे चिकित्सा है, समन उन्माद चिकित्सा करनी चाहिए, काम दुग्धा रस अनुपान गुरुची द्राक्ष लीवर टॉनिक के साथ में देना चाहिए। आता है वोमिटिंग, उल्टी, उल्टी कपूर रस, परवाल, पिस्टी, वोमिटेन टैबलेट है, बहुत सारे पैटर्न टैबलेट आते हैं लेकिन हम लोग शास्त्रीय पर ही विशेष ध्यान देते हैं। उल्टी में कपूर रस और परवाल का अच्छा रोल है। नौसिया और उल्टी में लघु सुशेखर रस, एलादी बटी का प्रयोग भी हम लोग करते हैं। उल्टी और दस्त में लहसुनादि संजीवनी का प्रयोग करते हैं। हिक्का, छदरी, सुशेखर रस, रौप भस्म, मयूर पिच्छिल भस्म, भुना हुआ जीरा और शहद के साथ करते हैं। ये हमारे क्लिनिक का बहुत अच्छा योग है जो हिक्का छदरी दोनों में काम करते हैं, और इस योग के चलते यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल में हिक्का और छदरी वाले पेशेंट जब मॉडर्न पैथी में नहीं ठीक हो पाते हैं तो मुझे बुलाया जाता है, और मैं बस सुशेखर, मयूर पिच्छिल, भुना हुआ जीरा, शहद के साथ उसको आधे आधे घंटे पे दो खुराक, उसके बाद जो है सुबह शाम देते हैं तो काफी आराम हो जाता है। जहाँ पर वो लोग पेरिनॉम वगैरह भी दे करके काम करते हैं तो दो घंटा ही आराम रहता है, पेशेंट सो जाते हैं। लेकिन हमारे एक कंपोजिशन जो सुशेखर है, मयूर पिच्छिल भस्म में भुना हुआ जीरा और शहद है, ये बहुत ही रामबाण है, और हम अपने सारे बच्चों को ये बताते हैं, इसको रिजल्ट दिखाते हैं क्लिनिक पे ही बैठे बैठे कि भाई इस दो ऑपरेशन 15 मिनट में आराम हो जाता है। अन्ना टिक्का, अभी पत्थर दो भाग, लवर भाग कर एक भाग, क्रोनिक मयूर पिच्छिल भस्म, गिलोय सत, काम दुग्धा, सुशेखर, परवाल पिस्ती, खाली पेट एक चम्मच सुबह शाम देना है। बमन उल्टी में अब्रक भस्म, जहरमोहरा पिष्टी और मुद्रा पिष्टी का प्रयोग करते हैं। आध्यात्मिक बमन के स्थिति होने पर चितोपलादि देना चाहिए। अब हम अतिसार, परवाहिका और संग्रहणी का अलग अलग हम थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं। अतिसार में द्रव बहुल होते हैं, परवाहिका में अल्प द्रव होते हैं, संग्रहणी में कभी द्रव कभी धान्यमल होते हैं। अतिसार में विविध धातु स्राव होते हैं, परवाहिका में श्लेष्मा या आम स्राव होते हैं, संग्रहणी में अपक्वन मल होते हैं। अतिसार में प्रवृत्ति एवं मात्रा दोनों में अधिक होता है, परवाहिका में प्रवृत्ति अधिक मात्रा में होती है और संग्रहणी में वेग प्रारंभ में अधिक होता है। उदरतुल उदेष्टम वेदना और नहीं होता है। अतिसार में जलता होती है, प्रोभूजिन एवं लौंग की कमी होती है, संग्रहणी में बल ह्रास होता है। अतिसार में प्राथमिक, द्वितीय और संग्रहणी में द्वितीयक होते हैं। अतिसार में सभी दोषों की विकृति से, परवाहिका में कफ की प्रमुखता से
और संग्रहणी में अग्नि विकृति जन ग्रहणी विकृति से। अब हम डायरिया पे आते हैं। अतिसार से लहसुन के रस, लहसुनादि बटी कपूर रस का प्रयोग तीक्ष्ण विलेचन होने पर दिया जाता है। नाकेसर कुटक जागरेरी घृत गंगाधर चूर्ण। अमातिसार में मल त्याग पर अधिक दर पिक्षित दुर्गंधी मल पानी में डूबना ए मिलते हैं। वाटर दीपन पाचन हरित की इसबगोल की भूसी और कस्टल ऑयल देना चाहिए। पकवा तिसार में कम चिपचिपा दुर्गंधी आये स्टूल नहीं डूबता है। पाचन असंभन कूटच तुंठी। रक्तातिसार में बोलवद्र कूटच एक पेन एंड खून की स्थिति में पेन एंड ब्लीचिंग लवण भास्कर प्लस बोल पर पट्टी इसका भी प्रयोग हम लोग किए हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। संजीवनी बटी का कार्य क्षेत्र प्रभाव रक्तातिसार में आमद स्थिति में आमाशय का मल पकवासे में जाने की स्थिति में दिया जाता है। लूज मोशन विथ फीवर विदाउट फीवर दोनों में संजीवनी बटी का प्रयोग अच्छा था रिजल्ट हमें मिलता है। क्रोनिक डिजीज जो कॉमन राजयक्ष्मा में देखने को मिलता है इसमें लोकनाथ रस का प्रयोग अच्छा है। संकोटक बटी इमरजेंसी मेडिसिन फॉर कंट्रोल डायरिया एट लाइक लोमोटिव कॉलेरा इसमें पुदीना श्रीधरा पीपरमेंट का सत अजवाइन का सत और नींबू का सत तीनों को मिलाकर के डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करके हम लोग रखते हैं और ये हैजे वाले कॉलरा वाले पेशेंट को देते हैं। ये हैजा परवाहिका अतिसार आदि सभी में काम अच्छा करता है। डिसेंट्री पेट में आव कफ ब्लीचिंग पफ मरोड़ कुथन बार बार अतिसार शरीर सुस्ता ज्वर बेलचूर्ण इसबगोल की भूसी प्लस कूटज। परवाहिका में कफ के साथ मल प्रवृत्ति संजीवनी और परवाल पंचामृत का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। परवाहिका में तेल का अनुवासन बस्ती देनी चाहिए। परवाहिका एमोबिक डिसेंट्री सुंखी टॉप भी मिलकर दे सकते हैं। यदि परवाहिका के साथ अमृतित हो तो सुंखी ना देकर मुस्ता नागर मोथा का चून दे सकते हैं। रक्तज परवाहिका में 10 ml घृत 10 ml सरसों तेल मिलाकर पिलाना है। दर्द व रक्त स्राव गायब हो जाता है। रक्त प्रवाहिका रक्तपित्त के वजह से नहीं बल्कि बातज के कारण होता है, बात के छोर से होता है। रक्त प्रवाहिका में मोशन यदि बार बार हो तो बिल्व मज्जा क्षीर पाक दे। जबकि रक्त प्रवाहिका में अध्यमान हो तो एरंड मूल क्षीर पाक देना चाहिए। परवाहिका प्लस पक्कूमल पिपली सुंखी और बिल का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। परवाहिका बच्चों में चाइल्ड में कुटज कचली और बाल चतुर भद्रा चूर्ण सहत के साथ देने पे छोटे बच्चे में भी हमारे क्लिनिक में छोटे बच्चे में भी देते हैं। न्यूबॉर्न में भी यदि हरा पीला स्टूल करते हैं तो उसमें कम मात्रा में कूटज कजली और बाल चतुर्भद्रा का प्रयोग करते हैं सहज के साथ। धीरे धीरे बच्चे का जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये रक्तातिसार बोलबद्ध कूटज परपति इसका मुख्य द्रव्य है। रक्तातिसार का बोलबद्र और कूटज परपति पेन और रक्तस्राव में लवण भास्कर और बोलपट्टी का भी रिजल्ट मुझे अच्छा मिलता है। इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम कोलाइटिस इसका जो है मेरे क्लिनिक में बहुत ही अच्छा इसका योग है। मैं आगे वर्णन करूंगा जो हर एक पेशेंट को देता हूँ। पहला है ग्रहणी बिलवादी गंगाधर परवाल पंचामृत मोती पिष्टि संख कपर मुक्ता सुखी अकूटक चित्रकारी। दूसरा जो है बी में ये मेरे क्लिनिक का सबसे अच्छा घटक है कंपोजिशन है।
कुरसेट 50 ग्राम, हिंगबास्तक 20 ग्राम, संघवत एक रस सिंदूर 1 ग्राम, भुवनेश्वर 40 टैबलेट मिक्स कर 1 टीस्पून बीडी देने से किसी भी तरह का आईबीएस हो, कोलाइटिस हो, है ना, पेशेंट परेशान होकर के आता है कि सर मैं क्या करूं, मैं फ्लाइजिन खा लिया, मैं ओजेट खा लिया, ये सारे खाने के बाद भी यदि वो ठीक नहीं रहता 5 से 10 दिन में फिर मेरे पास आते हैं। इस कंपोजिशन का पटना के हमारे यहाँ कम से कम 50 से 100% जो डॉक्टर फैमिली और डॉक्टर हैं वो आते हैं, बोलते हैं कि सर फ्लाइजिन खा लिए, ओजेट खा लिए, मेटालिक टेस्ट हो गया, आप कुछ दवाई बताओ। मैं बोलता हूँ ये आयुर्वेदिक दवा है, कूटक तीसर है, बोले सर जैसे भी हो मुझे ठीक कर दीजिए। और एक कंपोजिशन फिर से मैं बताता हूँ, कूटक 40 ग्राम, हिंगबास्तक 20 ग्राम, रस सिंदूर 1 ग्राम, भुवनेश्वर 40 टैबलेट, इसको मिला करके एक एक चम्मच सुबह शाम 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम के बीच दिया जाता है। क्रोनिक होने पर 3 बार भी हम लोग देते हैं, पेशेंट बहुत आराम होता है। दो दवाई देते हैं हम लोग, एक कूटेज वाला योग और दूसरा एक देते थे एसपी मधु वाली जो कंपोजिशन बताए थे। ये दो कंपोजिशन देने के बाद पेशेंट यदि 3 दिन में मेरे पास आता है तो बिल्कुल हंसते हुए आता है, बोला कमाल की योग है सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें तीसरा परवाल पंचामृत पर्वति शंखवटी मुलेठी औ में दूध नहीं लेना चाहिए। संग्रहणी के प्रारंभिक अवस्था में आम पाचन के लिए कपरस भग्न का प्रयोग, जबकि संघ भग्न स्तंभक कारण होने से विशेष क्रोनिक कोलाइटिस, हाथों में सड़न के केस में अनुवासन बस्ती उठज घनबती गैस्ट्रिक अल्सर में अमल की ग्रुची मुलेठी धात्री लौ सप्तामृत लौ अभिपत्र चूर्ण शंख और सुशेखर का प्रयोग हम लोग करते हैं। अल्सर में दूध ठंडा लेना चाहिए, अन्यथा नाले छाछ व बेल का प्रयोग, बिलवादी चूर्ण, गंगा का चूर्ण शंख, कपरद उगता पिस्ती का प्रयोग करते कर सकते हैं। एसिडिटी की स्थिति में मुलेठी सौंफ मुनक्का पानी में उबाल कर पीना चाहिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग में बाथा का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। इसमें बहुत सारे पैटेंट मेडिसिन भी आते हैं, लेकिन हम शास्त्रीय की ओर ज्यादा चल रहे हैं, इसलिए शास्त्रीय मेडिसिन में बाथा का प्रयोग हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। अगर बहुत सारा एमएसटॉपजी आता है, स्टेप्लोन आता है, बहुत सारी दवाइयाँ आती है, लेकिन बासा का प्रयोग जो है अच्छा रिजल्ट मिलता है। कोल्ड डिजीज में, क्रोनिक डिजीज में स्नेहन का रोल होता है, अतः महातृप्त घृत का प्रयोग स्नेहन के साथ अल्सर को भी हील करता है। इसमें जो हमने बताया था कपरद भस्म घी चीनी का प्रयोग, इसमें बहुत बढ़िया रोल करता है और पेशेंट को फूल में भी आराम होता है और पेशेंट काफी अच्छा महसूस करता है। इंटरस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस में क्षयज ग्रहणी सप्तामृत पर्पटी पंचामृत बंग और एएसआर का प्रयोग अच्छा है। बार बार पल्मोनरी टीबी आफ्टर ट्रीटमेंट माइग्रेट कॉन्वर्ट इंटेस्टाइनल टीबी सिम्टम विथ विदाउट लूज अवॉर्ड पेन लूज एपेटाइट लूज वेट लॉस एब्नॉर्मल पेन लॉस एपेटाइट लूज मोशन। फेफड़े में टीबी होने के इलाज के बाद पेट में टीबी
होने की संभावना ज्यादा हो सकता है। ऐसा मैं क्लिनिकल में देखा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट आए हैं जो फेफड़े के टीबी में और प्रॉपर डाइट ना लिए हों, फिर बाद में उनको इंटरनल टीबी मैं अपने क्लिनिक में देखा हूँ, ये मेरा पर्सनल है। लेकिन ऐसे बुक भी कहता है कि ऐसा संभावना है। एक्यूट एपेंडिसाइटिस रक्त मोक्षण डायनेक कोली के सामने की तरफ क्यूबिक वाइटल फोसा पे किया जाता है, जिसमें मेडिसिन जो है संघ बटी अग्निचुंडी बटी दशांग लेप लगाना पुनर्वादी मंडू स्थूल वर्जनी और संघ भर। इसमें हम संघ बटी और अग्निचुंडी का प्रयोग देख देखे हैं। यदि अपेंडिक्स का प्राइमरी में है वोमिटिंग शुरू हो गया है, एक्यूट नहीं है, उसमें अग्निचुंडी और संघबटी कभी कभी चित्रकारी का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन संघबटी अग्निचुंडी ये दोनों ही काफी आराम होता है। और कितने पेशेंट जो प्राइमरी में मेरे पास आ गए हैं उनको ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ी है, जिसमें अग्निचुंडी का बहुत रोल है, जो हमारे गुरु जी बताया करते थे। आज भी मैं इसको प्रयोग करते हैं क्लिनिक में, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसमें गोक्षुरादी रक्त पाचक ये सभी उल्लेखनीय है। कैसोर गुगुल हो गया, गोक्षुरादी गुगुल हो गया, रक्त पाचक ये सभी उल्लेखनीय है। परफोरेशन अपेंडिसाइटिस, इसमें हम लोग क्लिनिक में आयुर्वेद इलाज नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इसमें फटने का चांसेज होता है, पेशेंट कोमा में चले जाएंगे, इंफेक्शन पूरे पेट में फैल जाएगा, इसलिए इस केस को हम लोग नहीं टेकल करते हैं। वॉर्म कृमि रोग बिडंगा सौ संजीवनी बटी खदरा रेस कृमि कुठार रस कास्टर्ड वाइल से विरेचन। कृमि कुठार सभी प्रकार के कृमि में उपयोगी है, एक्सेप्शन राउंड और टैब बोर में, इन दोनों को छोड़कर कृमि कुठार जो है ये दोनों में अच्छा नहीं काम करता, मेरा अपना अनुभव है। आंतरिक कृमि मल द्वार पर खुजली दांत कटकटाना खांसी चिड़ापन भूख की कमी पेट दर्द हेमोग्लोबिन का कम होना ज्वर उल्टी जी मिचलाना मुख पर सफेद दाग, इसकी चिकित्सा जो है कृमि कुठारा सेवा छा त्रिफला बायबिडंग का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे में बायबिडंग को प्रत्येक दिन गुड़ के साथ 500 से 1 ग्राम तक हम लोग देते हैं, ऐसा बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। सिर्फ सिंगल बायबिडंग अच्छी क्वालिटी का हम लोग लेके कूट पीस करके और पेशेंट को देते हैं। यदि ग्रानी वगैरह का पेशेंट है तो गुड़ और इसमें दही बायबिडंग मिला करके देते हैं। बार बार पेट में कृमि हो का होना संजीवनी बटी और बिडंगा रिस का प्रयोग काफी अच्छा है। दैनिक जीवन में उपयोगी जब दवा पास ना हो, कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो रात में हमें फोन करते हैं और बोलते हैं कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, उनको जो हम लोग एडवाइस देते हैं इससे मैं कुछ बिंदु पे प्रकाश डाल रहा हूँ। जैसे उस जल अपच की स्थिति में हल्का गुनगुना जल पिए, शीतल जल या बस उल्टी की स्थिति में कम मात्रा में बार बार शीतल जल पीना चाहिए। जीरा अदरक अजवाइन त्रिफला नित्य प्रयोग करें। लघु सुपाच्य आहार मूंग दाल पका हुआ घर का भोजन हरी सब्जी स्पाइसी फूड पिज्जा जंक फूड नहीं खाना चाहिए। कम मात्रा में हर 3-4 घंटे पर भोजन ले, भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाना है। एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूं कि उदर रोग जब बहुत पुराना हो जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं, आयुर्वेद में हमारे पास आते आते महीनों गुजार देते हैं, तो वो पेशेंट जो है उदर रोग का पेशेंट दिमागी रूप से भी बीमार हो जाते हैं, जैसे एंजाइटी की तरह हो जाते हैं। अभी एक पेशेंट हमारे बिहार से ही एक लड़की थी, वो आई थी और वो
उधर वो इतनी ग्रसित थी कि बाद में जाके एंजाइटी हो गया और वो रात में अपने मदर फादर को ही खत्म करना चाह रही थी। संजोग से उनकी छोटी बहन जाग गई और उसको रोका गया, फिर मेरे पास आए, मैंने जो कंपोजिशन बता रहा हूँ इस कंपोजिशन का प्रयोग किया। सच बताता हूँ, 2 दिन में वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया और आगे आज एक अच्छे टीचर है के रूप में वो कार्यरत है। ये 2 सप्ताह पहले की घटना है। अब मैं बताता हूँ, इसमें मेन घटक जो है जटामांसी का प्रयोग करते हैं। जटामांसी ही मेन है। हम जटामांसी के बारे में शॉर्ट में कुछ वर्णन करना चाहते हैं। जैसे बीपी को ठीक करता है, रोग से लड़ने की शक्ति बढ़ाता है, हृदय रोग को मजबूत करता है। जटामांसी को निम्न नामों से जानते हैं, बाल झड़न, भूत जटा, सपोषणी, नाइट्रोजोसिक, जटामांसी। इनका गुण है लघु, अतिरिक्त, मधु, कसाय, कसैला, मीठा भी होता है। तासीर जो है शीतबीज, बातपित, कफ के शमन करता है। प्रभाव मानस दोष में है। जटामांसी कोमल होता है, बल ऑफ भी है, मानसिक थकान को कम करता है। सिर रोग में जटामांसी को, अब हम इसका अलग अलग विवेचन करना चाहते हैं कि इस रोग में कैसे प्रयोग करते हैं। सिर रोग में जटामांसी 50 ग्राम अश्वगंधा 50 ग्राम, ये जो है 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम रोगी को देते हैं, काफी आराम होता है सिर रोग में। अनिद्रा में अश्वगंधा और जटामांसी 50-50 ग्राम देके 500 मिलीग्राम या 1 ग्राम का, इससे ज्यादा का प्रयोग नहीं करते हैं, इसी में काफी पेशेंट को आराम होता है। मिर्गी रोग में जटामांसी 50 ग्राम, बचाचून 50 ग्राम, ये भी 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक यूज करते हैं। यादाप में जटामांसी और ब्राह्मणी का प्रयोग करते हैं। जो ओल्ड एज में आज कोविड के बाद तो इस तरह का पेशेंट काफी मिल रहे हैं, सिर का रोग, अनिद्रा, मिर्गी, यादाप, सिर दर्द बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। तो इसमें हम लोग ना एक कंपोजिशन बताया, सबको अलग अलग कूट पीस करके रखते हैं और हमारे जो आरएमडी के बच्चे हैं वो सबको बता देते हैं कि ऐसे से कंपोजिशन बना करके पुड़िया बना के इनको दीजिए। और ये बोलते हैं सर कब ठीक होंगे, उन्हें बताते हैं कि कल वेरी गुड मॉर्निंग होगा, परसों आप बिल्कुल केयरफुल हो जाएंगे। और सच में बताते हैं कि एक कंपोजिशन मेरा और मेरे गुरु के द्वारा बताया गया एक कंपोजिशन है और इसको मैं कोविड के बाद अपने पेशेंट के ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं। इसमें जटा सिर दर्द में जटामांसी को घी के साथ लेप करें, बहुत अच्छा रोल है। बाल के रोग में तिल के तेल, जटामांसी कल्प बनाकर तेल में पकाएं, जिससे बाल मजबूत होता है, पकाकर सर में लगाएं। ध्यान रखें, जटामांसी 500 से लेकर 5000 रुपए किलो तक मिलता है मार्केट में। अच्छी जो तेल ना निकाला हुआ हो उस जटामांसी को यदि हम लोग प्रयोग करें तो ये सारे चीज मेरा क्लिनिक में एकदम पेशेंट के साथ उपयोग किया हुआ है, प्रयोग किया हुआ है। आप इसको यूज करके देखेंगे बहुत फायदा होगा। समझ लीजिए कि क्लिनिक में 2-3 योग मैंने बताया, जैसे यश मधु वाला बताया, जटामांसी वाला बताया, फुटेज वाला बताया, दो तीन को अभी छोड़ करके बना करके रखा जाए तो आरएमए के असिस्टेंट को ये नहीं पता चलेगा कि मैं जा करके कैसे प्रैक्टिस करूंगी, क्योंकि सारे गुरु बहुत ये बदल नहीं रहा है आपका। Hello? ये स्लाइड नहीं बदल रहा है सर। हाँ, ये स्लाइड में नहीं है सर। अच्छा, ये स्लाइड में नहीं है, मैं अलग से अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। ठीक है सर। इसके बाद मैं आऊंगा शोधन चिकित्सा पे, जिसपे स्लाइड है। और ये बाद में मैंने पूजा करते हुए, अष्टमी का दिन है, पूजा करते हुए इसको मैंने तैयार किया कि इसको मैं क्यों छोड़ू, मैं अपने बच्चे को जरूर बताऊं, जिसका रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए और है सर। जटामांसी हृदय रोग को मजबूत करता है और हाई बीपी में जटामांसी, सर्वगंधा, अर्जुन और पूर्णनवा के साथ हम लोग इसका कंपोजिशन बना के क्लिनिक में रखे हैं और देते हैं। लो बीपी में जटामांसी अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। जटामांसी हृदय के धड़कन एवं कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करता है, स्ट्रोक को कम करता है। सिर दर्द में नाक में इसका रस डालने से काफी आराम होता है।
जो हम कंपोजिशन बनाए हैं, जटा मानसी अश्वगंधा बचा ब्राह्मी अश्वपुष्पी, बस पांच मेडिसिन को मिला करके और सबको मिला करके समान मात्रा में मिला करके जटा मानसी को थोड़ा कम डालते हैं, जैसे 100 ग्राम डाले हैं तो इसको 60 ग्राम 75 ग्राम डालते हैं और सबको बराबर मात्रा में डाल करके 500 से 1 ग्राम की पुड़िया हम देते हैं और पेशेंट को कहते हैं बस खाइए और ये जो है आपको काफी आराम करेगा, सर ठीक हो जाएंगे। हम ये बोलते हैं कि कल आपका वेरी गुड मॉर्निंग होगा। खैर अब मैं शोधन चिकित्सा पंचकर्म पे आता हूँ, क्योंकि जो भी उदर रोग वगैरह जितना भी बताए इसमें जब तक शोधन चिकित्सा नहीं होगा उतना आराम नहीं होगा। तो शोधन चिकित्सा में हम पंचकर्म के आधार पे बताता हूँ जो मेरा अपना अनुभव है, बिल्कुल प्राइमरी है, कुछ नया नहीं है, बच्चे को पढ़ा हुआ होगा, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करना चाहता हूँ और अपने क्लिनिक का जो अनुभव है मैं साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ। अब शोधन चिकित्सा पे आते हैं। आयुर्वेद संहिता में रोगोपचार की दो विधियां बताई गई है, शोधन और संक्रमण। शोधन चिकित्सा इसमें शारीरिक व्याधि के कारण दूषित दोषों को शरीर में बार बार निकाल फेंकने से अधिकांश व्याधि स्वतः ठीक हो जाती है। उसके बाद किया गया उपचार अधिक प्रभावित होता है। पंचकर्म इसी शोधन विधि का तकनीकी माना नाम है। पंचकर्म आयुर्वेद शास्त्र में वर्णित एक विशेष चिकित्सा पद्धति है जो दोषों को शरीर से बाहर निकालकर रोगों को जड़ से समाप्त करती है। यह शरीर शोधन की प्रक्रिया है जो स्वास्थ्य मनुष्य के लिए भी फायदेमंद है। बिना पंचकर्म के औसत सेवन से रोगों का समन हो सकता है किंतु समूल्य नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने उदर रोग के साथ में शोधन चिकित्सा का एक टॉपिक रखा छोटा सा। पंचकर्म का अर्थ पांच विभिन्न चिकित्साओं का सम्मिश्रण है, जैसे बमन विरेचन नष्ट बस्ति एवं रक्ष मोक्षण। पंचकर्म में क्रम में बद्धता निम्न प्रकार है। पूर्व कर्म शरीर की पंचकर्म हेतु तैयारी, दीपन पाचन स्नेहन और स्वेदन। प्रधान कर्म बमन विरेचन अपन बस्ति अनुवासन बस्ति शिरो विरेचन। दीपन पाचन शरीर में उपस्थित आम विकार अपक्व दोषों के पाचनार्थ विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि का प्रयोग। इसमें आता है स्नेहन। स्नेहन इस विधि में शरीर की विकृत दोषों को बढ़ाकर बाहर निकालने के लिए घृत पान तेल पान एवं अभ्यंग का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा में स्नेहन को प्रधान कर्म के रूप में भी किया जाता है। चार प्रमुख स्नेह है घृत मज्जा बसा और तेल। इसमें घृत गौ घृत को उत्तम स्नेह माना गया है। ये चारों स्नेह मुख्य रूप से पित्त शामक होते हैं। स्वेदन इस विधि से अनेक उपविधियां हैं जिनके द्वारा शरीर से पसीना निकालकर अनेक रोगों का उपचार किया जाता है। उप दोनों क्रम नियमानुसार प्रत्येक कर्म के पहले करना आवश्यक है। स्वेदन के भेद एकांग स्वेद भेद अंग विशेष का स्वेदन सर्वांग स्वेद पूर्ण शरीर का स्वेदन अग्नि स्वेद अग्नि के सीधे संपर्क द्वारा स्वेद निरंगी स्वेद बिना अग्नि के संपर्क द्वारा स्वेद। इसमें प्रधान कर्म में बमन इमरजेंसी थ्रेट इस कर्म के द्वारा कफ जन जटिल रोगों का उपचार किया जाता है जैसे कफ श्वास अजीर्ण ज्वर इत्यादि। इसमें औषधि स्वाद को पिलाकर उल्टी बमन कराई जाती है जिससे विकृत कफ एवं पित्त बाहर आ जाने से रोग शांत हो जाता है। बमन योग रोग हम लोग पंचकर्म करते हैं लेकिन पंचकर्म करने के पहले या शोधन करने के पहले पेशेंट को तैयार कर ले, नहीं तो बहुत सारा लालचन वो लगाएंगे, बहुत सारे रोग को छुपाएंगे और हमसे बताएंगे नहीं कि हमें क्या हुआ है। नाड़ी से तो जो समझ पाए बाद में बोलते हैं कि आपकी गलती से ऐसा हुआ। तो इसमें ध्यान रखना चाहिए कि बमन योग रोग है ना,
तो श्वास काफ प्रमेह पांडु रोग एनीमिया मुख रोग अर्बुद अस्थमा जुकाम कफज ज्वर जी मिचलाना भूख ना लगना अपच गुलफुंडी टोंग पीस का प्रभाव शरीर के निचले अंगों से स्राव रक्त स्राव कुष्ठ एवं अंतचर्म रोगों खुजली विसर्प आदि गांठें व गिल्टी सूजन नाक की हड्डी का बढ़ना मूत्र रोग अनिद्रा तंद्रा मिर्गी उन्माद कान का बहना चर्बी बढ़ना व इससे उत्पन्न रोग साइनस आदि इसमें बमन किया जा सकता है। और बमन के अयोग्य रोगी किसमें नहीं करना चाहिए इस पे भी ध्यान रखना चाहिए। गर्भवती स्त्री कोमल प्रकृति वाले व्यक्ति अतिकृत भूख से पीड़ित बच्चे बहुत दुबले पतले हृदय रोगी फेफड़ों में कैविटी वाले मरीज को यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा ऊपरी अंगों से रक्त स्राव होने पर मासिक धर्म के समय बहुत मोटा और रोगी व्यक्ति शराब के नशे में से गर्भ व्यक्ति को भी यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। मोतिया भी पेट में कीड़े या पीलिया से पीड़ित मरीज भी इस क्रिया के लिए अयोग्य है। ब्रेचन गुदा मार्ग मल मार्ग से दोषों का निकाल कर ब्रेचन करण कहलाता है। ब्रेचन को पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा कहा जाता है। इसके लिए भी विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न औषधि देने का प्रावधान है। ब्रेचन के योग रोगी पैतृक रोगों के लिए एवं साथ ही उदर रोग में इससे लाभ प्राप्त होता है। जैसे अर्जुन अम्लपित्त शिरासूल दा उदर फूल विवन गुल्म अपच से होने वाले रोग पेट फूलना चर्म रोग पुष्ट इत्यादि। ब्रेचन के अयोग्य रोगी इसे नहीं करनी चाहिए। जैसे नौ ज्वर रात्रि जागरण राग यक्ष्मा बच्चे बूढ़े कमजोर लोगों को गर्भवती महिलाओं को ब्रेचन क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मोटापे से ग्रस्त लोग ऐसे महिलाएं जिन्होंने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो उन्हें भी यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। ब्रेचन क्रिया से पहले रोगी को पोस्ट की प्रकृति को जानकर ही औषधियों का चयन किया जाता है। आयुर्वेद में तीन प्रकार की कोष्ठ माना गया है मृदु कोष्ठ मध्य कोष्ठ और क्रूर कोष्ठ। भक्ति वह क्रिया है जिसमें गुड मार्ग मूत्र मार्ग अपत्ते मार्ग ब्रणमुख आदि से औषधि युक्त विभिन्न द्रव पदार्थ को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। भक्ति को बात रोगों की प्रधान चिकित्सा कहा गया है। भक्ति के योग रोग अंग जोड़ों के रोग सुख क्षय योनि चूल आदि। भक्ति के अयोग रोग अतिकृत काफ स्वाद जिन्हें उल्टी भ्रमण हो रही हो उन्हें भक्ति नहीं देना चाहिए। अब आते हैं अस्थापन भक्ति यानी निरू भक्ति। इसका दूसरा नाम है मेडिसिनल एनीमिया। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रक्रिया में द्रव्य के क्वाथ की भक्ति गुदा मार्ग से देकर दोषों का शोधन किया जाता है। इससे पेट एवं बड़ी आंत के वायु संबंधी सभी रोगों में लाभ मिलता है। अस्थापन भक्ति में विभिन्न औषधि द्रव्यों के क्वाथ का प्रयोग किया जाता है। यह भक्ति शरीर में सभी धातुओं और दोषों को संतुलित अवस्था में लाने में मदद करती है। निरुभक्ति गुणों के आधार पर अनेक प्रकार की है जैसे कि दीपन भक्ति लेखन भक्ति दीन भक्ति पिछित भक्ति सब विदग भक्ति रसावक्ति युक्त रसावक्ति आदि। इन सब का प्रयोग रोग व रोगी के प्रकृति के अनुसार ही किया जाना चाहिए। किन रोगों को नहीं करनी चाहिए हर समय ये जानना है करना चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए। हमारे गुरुजी हर समय कोई भी मेडिसिन पढ़ाते थे बताते थे तो बोलते थे कहाँ नहीं करनी चाहिए। इससे हुआ क्या कि आज मेरी प्रैक्टिस अच्छी है नहीं करने वाला को ज्यादा समझने में
आज बाकी तो स्वस्थ संहिता में हमारा सब कुछ मिल ही जाती है, लेकिन कहाँ नहीं करना चाहिए इसकी ज्ञान होना बहुत जरूरी है हमारे विद्यार्थियों के लिए। शारीरिक रूप से दुर्बल हिचकी, बवासीर, खांसी, अस्थमा, गुदा में सूजन, दस्त, पेचिश और डायबिटीज के मरीजों को निरुपस्थिति नहीं देनी चाहिए। गर्भवती महिला को भी निरुपस्थिति नहीं देनी चाहिए। लिंग रोगों में निरुपस्थिति को कराना चाहिए, जैसे कब्ज में, बात से जुड़े रोग में, कमजोर पाचन अग्नि में, डायबिटीज, पेट से संबंधित रोग में, मूत्र में रुकावट, एसिडिटी, मूत्राशय में पथरी, हृदय से जुड़े रोग, मलेरिया, पेट फूलना, इन रोगों में निरुपस्थिति को करना चाहिए। अनुवासन बस्ती, जिन बस्ती कर्म में केवल घी, तेल या अन्य चिकनाई युक्त द्रव्यों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है उसे अनुवासन वस्तु अथवा स्नेह बस्ती कहा जाता है। अनुवासन बस्ती के फायदे क्या हैं? इसके करने से आंतों में जमा मल साफ पोस्ट की शुद्धि होता है और उस हिस्से में चिकनाई आती है। अनुवासन बस्ती से शरीर की ताकत और ऊर्ण बढ़ती है, त्वचा में निखार आती है। किन लोगों को नहीं करना चाहिए अनुवासन बस्ती? चर्म रोग, डायबिटीज, मूत्र रोग, मोटापे, अपच, अस्थमा, टीबी आदि के मरीजों को अनुवासन बस्ती नहीं करना चाहिए। किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों के शरीर में सूखापन ज्यादा हो और पाचक अग्नि तीव्र हो, साथ ही वे बात दोष से जुड़े रोगों से पीड़ित हो, उन लोगों को अनुवासन बस्ती कराना चाहिए। मूत्र मार्ग तथा अपच मार्ग से दी जाने वाली बस्ती उत्तर बस्ती कहलाती है तथा व्रण मुख, घाव के मुख से दी जाने वाली बस्ती व्रण बस्ती कहलाती है। बस्ती के सावधानियां, भोजन किए बिना अनुवासन बस्ती या तथा भोजन के उपरांत अस्थापन बस्ती का प्रयोग का निषेध है, ये सब पर ध्यान देना चाहिए। हल्दी पंचकर्म में जो विद्यार्थी इच्छुक हैं इसमें कहाँ नहीं करना है इस पर तो जरूर ध्यान देंगे, जिससे कि पेशेंट का जो आपके प्रति श्रद्धा होगा वो बना रहेगा और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब जी मुझे अच्छे कर दिए हैं। यदि कहाँ नहीं करना है उस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो हम लोगों को भी दिक्कत होती थी, लेकिन आज के डेट में प्रैक्टिस की 30-30 वर्ष हो गई है, अब ये सब दिक्कत नहीं होती है। साफ बोल देते हैं अभी आप अयोग्य नहीं है, जब अयोग्य होंगे तो हम उसका करेंगे, उसके लिए मेडिसिन वगैरह चला करके उन्हें योग बनाते हैं। अगला है पश्चात कर्म, प्रधान कर्म के बाद भी उपकर्म संसर्जन क्रम परिहार काल रसायन शरीर का पुनः सशक्तिकरण समन चिकित्सा और भी उपचार का उपक्रम। अब आता है नस से, नाचिका द्वारा जो औषधि प्रयुक्त होती है उसे नस कहते हैं। नस को गले तथा सिर के समस्त रोगों की उत्तम चिकित्सा कहा जाता है। मात्रा के अनुसार नस के दो प्रकार हैं, मर्म नस जो 6, 8 और 10 बूंद नस द्रव को नासापुट में डाला जाता है, प्रतिमर्श नस 1 बूंद से 2 बूंद। इस पे ध्यान रखना है हर बच्चे को कि मर्श नस और प्रतिमर्श नस, प्रतिनाशनक जो घर में भी लेते हैं लोग, 1 बूंद से 2 बूंद और भी द्रव को नासापुट में डाला जाता है, इस नस को की मात्रा कम होती है, अतः इसे प्रतिदिन भी लिया जा सकता है। नस क्रम का मुख्य दो प्रकार है, रेचन अथवा कर्षण नस, इसके लिए तीक्ष्ण प्रभाव वाले तेलों अथवा तीक्ष्ण अवधि के रस या क्वाथ से पकाए गए तेलों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए अतिरिक्त औषधि के रस का चूर्ण का प्रयोग भी किया जाता है। निम्न रोगों में यह उपयोगी होता है, कफज, सिर दर्द, गले में कम आवाज निकलना, पीनस, सर्दी जुकाम, टोट, अपस्मार, कुष्ठ, नाक का कान, गला व सिर के रोग में। ये सब नस जो है ना, मैं अपने क्लिनिक में बार बार पेशेंट को दिया हूँ, लास्ट में मैं कुछ पिक्चर डाला हूँ
जिसको दिखाने के लिए कोशिश किया है कि इसमें काफी फायदा होता है। स्नेहन अथवा ब्रेवन नस, यह नस सिर नाक आदि ऊपरी अंगों में स्निग्धता लाता है। यह निम्न रोगों में उपयोगी है, माइग्रेन, शरीर दुर्बलता, मुख का सूखना, कान के अंदर आवाज आना, दांत बग, कंधे के रोगों में, सिर नाक व आंख के रोग में स्ने अथवा वृषभ नस हम लोग देते हैं। इसमें जो है बात गजांकुश का बहुत ही अच्छा रोल है, जो हमारे गुरुजी लोग भी यूज करते थे और हम अपने क्लिनिक में काफी दिनों से यूज कर रहे हैं। सिंगल बात गजांकुश और बात शामक औषधि का वायु शमन किया जाए तो काफी आराम होता है। समय लगता है, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन समय लगता है, फिर उनकी कान की आवाजें आना धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो इसमें हमने लिखा है कान के अंदर आवाज होना। नस योग रोग, पति स्याय मुख की विरस्ता, स्वर भेद, सिर का भारी पर दंत तूल, कर्ण तूल, कर्ण नार आदि। नस के अयोग रोगी, अत्यंत कृष्ट व्यक्ति, सुकुमार रोगी, मनोविकार, अति निद्रा, सर्व दंत, गर्भवती व मानसिक स्राव वाली महिलाओं को नस नहीं देना चाहिए। इसके अलावा भोजन, स्नान और शराब पीने के बाद भी यह क्रिया नहीं करनी चाहिए। रक्त मोक्षण, रक्त की पर दूषित होने पर हमारे शरीर में कई बीमारियां पनपने लगती है, इसलिए ऐसे रोगों के इलाज में प्रदूषित रक्त को शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। शरीर से प्रदूषित या संक्रमित रक्त निकाल कर इलाज करने की यह प्रक्रिया को रक्त मोक्षण कहते हैं। फल चिकित्सा अनुसार पांचवा कर्म रक्त मोक्षण माना गया है। रक्त मोक्षण का अर्थ है शरीर से दूषित रक्त को बाहर निकालना। शरीर से खून निकलने की यह प्रक्रिया दो तरीके की जाती है, औजार द्वारा खून निकालना। इसके अंतर्गत भी दो विधियां हैं। पहली विधियां हैं प्रदूषित स्थान रक्त वाले जगह पर चीरा लगाकर इलाज किया जाता है, जो पेनफुल होता है, पेशेंट जो है भयभीत हो जाते हैं, इसलिए इसमें कठिनाई होती है। जबकि दूसरी विधि का इस्तेमाल तब होता है जब दूषित रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है, बिना औजार द्वारा खून निकालना। आयुर्वेद में बिना औजार के खून निकालने की भी कई विधियां बताई गई है, जिसमें योग द्वारा खून निकालना। हम अपने क्लिनिक में योग द्वारा या एक अलाबू द्वारा खून ज्यादा निकालते हैं। मेरे पास करीब 150-200 लीच जो हर समय रहता है और अच्छे मात्रा में पर डे 2-4 केस हम लोग करते हैं, बहुत फायदा होता है। इसीलिए बताई गई इसमें योग द्वारा खून निकालना, श्रृंग अलाबू और घंटी यंत्र द्वारा खून निकालना प्रमुख है। इसमें से प्रत्येक विधि का इस्तेमाल कुछ खास बीमारी में रक्त निकालने के लिए किया जाता है, जैसे गठिया, चेहरे की झाइया, हाथी पांव, पान, कान, होठ, नाक व मुख से पसीना आना, फोड़े, फुंसी, त्वचा पर लालिमा, पुष्ट जैसे चर्म, मुंह, नाक व शरीर से दुर्गंध आना, अपची, सूजन और जलन, रक्त की विषाक्तता, विदारिका, ताक और जंघा के बीच, विदारिका जो है जनरली ताक और जंघा के बीच ही होती है, स्तन रोग, शरीर में भारीपन, गांठें व किल्तियां होना, लीवर और प्लीहा के रोग। इन विधियों द्वारा क्या उपयोग रोगी की अवस्था देखकर भी किया जाता है, जैसे कि श्रृंग या अलाबू द्वारा खून निकालने की प्रक्रिया सुकुमार व्यक्ति के नाजुक लोगों में ही की जाती है। इसी तरह जो लोग बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं उसमें खून निकालने के लिए जलौका का इस्तेमाल किया जाता है, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। रक्त मोक्षण करने वाले के बाद यदि दर्द से आराम मिले और रोग की तीव्रता में कमी आए, सूजन खत्म हो जाए और शरीर में हल्कापन महसूस हो, तो समझना चाहिए कि यह क्रिया ठीक से संपन्न हो गई है।
पंचकर्म के अंतर्गत कुछ अन्य विशिष्ट चिकित्सा उपकरण भी हैं जिनका सफलतापूर्वक रोगोपचार हेतु प्रयोग होता है, जैसे शिरोधारा, विशेष प्रकार की अवधि युक्त औषधीय तेलो द्रव्यों को एक निश्चित ऊंचाई से रोगों की सिर प्रवेश पर धारा के रूप में गिराया जाता है। यह प्रक्रिया अवसाद, डिप्रेशन, तंत्रों के रोग, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, अनिद्रा, तनाव आदि में अत्यधिक प्रभावशाली है। विशेष प्रकार की औषधि युक्त औषधि तेलो द्रव्यों को रोगों के कपाल पर निर्धारित समय के लिए धारण कराया जाता है। यह मानसिक समस्याओं, तंत्रिका तंत्र संबंधित समस्याओं, अनिद्रा आदि में बहुत लाभप्रद है। रोगी को औषधीय द्रव्य से भरे टब में अवगाहन रोगी को औषधीय द्रव्य से भरे टब में बैठाया जाता है। यह बवासीर, कमर दर्द आदि रोगों में बहुत लाभकारी है। इस द्रव्य में हम लोग क्लिनिक में कुछ द्रव्य हर्बल प्लांट को भी डालते हैं जिससे कि उनके ज्यादा फायदा होता है। काली पिंड से औधि युक्त दूध में पकाए हुए साठी चावल को पोटली के रूप में औधि युक्त दूध में डुबा डुबा कर संपूर्ण शरीर पर सेकाई स्वेदन किया कराया जाती है। यह मांसपेशियों के विकार में अत्यंत लाभप्रद है। इसका भी मैं एक छोटे बच्चे पे टीपी का केस था, उसका कुछ फोटोग्राफ हम डाले हैं थाली चावल का, और वो बच्चा जो चल नहीं पा रहा था बिल्कुल खड़ा हो रही है और काफी फायदा है। तो पोटली से कष्ट औषधि के पत्तों की पोटली औषधि युक्त तेलों में डुबोकर विशेष विधि द्वारा रोगी के शरीर पर सेजन सिकाई की जाती है। यह जोड़ों के रोग, नाड़ियों के रोग, मांसपेशियों के रोग में विशेष लाभप्रद है। औषधीय चूर्ण को संपूर्ण शरीर पर विशेष प्रकार से लगाया जाता है, ये मोटापा जैसे बीमारी में लाभकारी है। कटिबस्तु, आटे से घेरे में कमर के ऊपर औषधीय तेलों को निश्चित समय तक धारण कराते हैं। यह कमर दर्द, साइटिका के दर्द में लाभदायक है। ये भी हमारे क्लिनिक में बहुत मात्रा में होते हैं, लोग करवाने आते हैं, काफी रिलीफ होता है और मुझे यश मिलते हैं। जानू भक्ति, घुटने पर इसी प्रकार के फ्रेम में औषधीय तेलों को निश्चित समय तक धारण कराते हैं। यह घुटने से संबंधित रोगों में लाभदायक है। पंचकर्म के दौरान बरतने वाली सतर्कता, पंचकर्म करने के पहले पेशेंट को पूर्व रूप से मानसिक शारीरिक रूप से आपको काउंसलिंग कर उसको समझा देना है कि जो हम कर्म करने जा रहे हैं कुछ आराम तो तुरंत मिलेगा, कुछ बाद में मिलेगा, कुछ और बाद मिलेगा, इसको फिर से करवाना पड़ सकता है। ये सारे वर्णन करने के बाद ही करना चाहिए। इसलिए मैंने इसमें पंचकर्म के दौरान बरतने वाली सतर्कता पे ध्यान दिलवाता हूँ। पंचकर्म के दौरान सामान्य तापमान में रहना जरूरी, पंचकर्म के दौरान देर रात तक जागना सही नहीं है। उन चीजों का सेवन करें जो आसानी से पच जाए। इसी प्रक्रिया के दौरान व्यायाम को अपनी दिनचर्या में जोड़ें और तनाव ना लें। इस प्रक्रिया के दौरान दिन में सोना मना करते हैं। पंचकर्म कौन लोग नहीं कर सकते? गर्भवती महिला, कमजोर स्त्री वाले शरीर वाले लोग, पीरियड के दौरान हाई बीपी के मरीज एवं कमजोर हृदय वाले, बहुत अधिक मोटापे से ग्रस्त, फेफड़ों के कैंसर के मरीज, दिल के मरीज। पंचकर्म का फायदा क्या है? फायदा इसमें है, पेशेंट को बताना पड़ता है कि आपको क्या क्या फायदा होगा। पंचकर्म पाचन क्रिया को मजबूत करता है, यही शोधन क्रिया के अंतर्गत आता है,
कि जो उदर रोग में हम लोग करते हैं यदि उसमें पंचकर्म करते हैं तो पंचकर्म पाचन क्रिया को मजबूत करता है, दवाई से वो कंट्रोल होता है, समूल्य नाश नहीं होता, इसलिए पंचकर्म को पाचन क्रिया को मजबूत करता है। पूरे शरीर को शुद्ध करने के लिए पंचकर्म एक अच्छा उपाय है। मस्तिष्क और शरीर को आराम पहुंचाने के लिए पंचकर्म बेहद जरूरी है। पंचकर्म से बढ़ती उम्र को रोका जा सकता है, इसके इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत किया जा सकता है, पंचकर्म स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। पंचकर्म के माध्यम से शरीर और दिमाग से विषाक्त पदार्थ को बाहर निकाला जा सकता है। वजन कम करने में पंचकर्म बेहद उपयोगी होता है, इससे स्वास्थ्य उत्तम रहता है। यह बढ़ती उम्र को रोकता है, यह शरीर के सभी विषैले तत्वों को बाहर निकालता है। धन्यवाद। आपका धन्यवाद सर। किसी के भी कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। कोई भी प्रश्न क्लिनिकल में जो बताया गया है इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे बात करें। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं या पूछ सकते हैं भी इस मंच पे। मैं आरएवी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ सर कि इस विषय पर आपने अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अपना अनुभव है, वो हम सबके साथ साझा किया। इसी के साथ हमारे सारे गुरुजनों को जो यहाँ पर हैं और शिष्य जो हमसे जुड़े हुए हैं और आयुर्वेद के और विद्वान जो आज शामिल हैं इस सत्र में, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। साथ ही हमारे मार्गदर्शक में देवेंद्र त्रिगुना जी, श्री राजेश कोटेचा सर एवं हमारी डायरेक्टर वंदना सिरोह मैम का मैं धन्यवाद करती हूँ जो हमें प्रोत्साहित करते हैं। मैं अपने आरएवी में पूरे टीम का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ जो ये कार्यक्रम सफल बनाने में हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारा अगला कार्यक्रम जो है, जो इसकी श्रृंखला है, वो अगले हफ्ते 17 अक्टूबर को रहेगी। वो उसमें डॉक्टर नारायण नंबूदरी श्रीधरी से नेत्र रोग में पंचकर्मा पर प्रकाश डालेंगे। इसी के साथ आशा है कि आप सबसे अगले गुरुवार मुलाकात होगी और कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें भेज सकते हैं, हम सर से मेल करके उसका उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। उनका कांटेक्ट भी डिटेल्स अवेलेबल है। तो इसी के साथ मैं आज का ये सत्र समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। भीड़ नहीं आई क्या? नहीं।